Hello, friends. Once again, you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are discussing different topics of current affairs, economics, politics, and other few topics which are important and useful from the point of view of different exams, exams conducted by UPSC, MPPSC, SSC, and other competitive exams. एंड बट टुडे वी आर टेकिंग ए वेरी डिफरेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ न्यूज पेपर फ्रेंड्स अखबार जो होता है वो आम आदमी के लिए तो uh, एक स्रोथ है एक सोर्स है न्यूज़ का या फिर आप समझ लीजिए कि इंटरटेनमेंट का तो न्यूज़ और इंटरटेनमेंट यही दो मेजर uh, यूज़ है कॉमन uh, मैन के लिए uh, अखबार के लेकिन स्टूडेंट के लिए फ्रेंड्स अखबार के मायने अलग है अखबार का इंपॉर्टेंस अलग है और अखबार का उपयोग अलग है तो आज यही अखबार हमारी चर्चा का विषय होगा इस वीडियो में मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल तो देखिए अखबार के बारे में आज हम ये देखेंगे कि अखबार की यूटिलिटी क्या है यूज क्या है फिर हम ये देखेंगे कि अखबार कौन सा पढ़ें ये एक प्रश्न अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जो है पूछते हैं मुझसे कि अखबार कौन सा पढ़ा जाए सर तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम ये भी पढ़ेंगे कि अखबार का कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए और अखबार का कौन सा पार्ट हमको इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और उसको ज़्यादा हमको स्ट्रेसफुली या मैं कहूँ ज़्यादा फोकस करके पढ़ना चाहिए और तीसरी सबसे खास चीज़ कि अखबार को कैसे पढ़ना है पढ़ें कैसे तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि अखबार कौन अखबार क्यों महत्वपूर्ण है पहले ये देख लें देखिए अखबार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में जो टॉपिक होते हैं वो हमको अखबार से मिल जाता है जैसे खास तौर पे आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी जो एम या बी या यू UP, पी इनके इनमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है सिविल सर्विसेज की खास तौर पे इसमें कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं और जो करंट अफेयर से रिलेटेड है अब करंट अफेयर दोनों जगह आता है प्रिलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव रूप में करंट अफेयर्स आएगा मेंस में जो है वो डिस्क्रिप्टिव रूप में आएगा तो करंट अफेयर्स से संबंधित जो टॉपिक है वो तैयार करने के लिए जरूरी है कि हमको अखबार पढ़ना होगा करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी मैगजींस भी है लेकिन मैगजीन्स पढ़ना मुझे लगता है कि अखबार सबसे अच्छा सा होता है क्योंकि अखबार आपको आज मिला आज कवर कर लीजिए कल मिला कल कवर कर लीजिए तो रोज आप अपना करंट अफेयर्स खुद ही क्या कर सकते हैं तैयार कर सकते हैं तो दैट इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट वे टू टू कवर टू कंप्लीट योर करंट uh, अफेयर्स और खास चीज आप देखिए कि uh, इससे आपको केवल जनरल नॉलेज नहीं मिलेगा बल्कि आपको यह भी मिलेगा कि किस तरह की भाषा उपयोग करते हैं व्हाट सेट ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज इज सपोज टू बी यूज्ड व्हाट शॉर्ट ऑफ वोकेबुलरी इज सपोज टू बी यूज्ड किस तरह की मानक भाषा का उपयोग करें किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करें यह भी आप एक अच्छा अखबार पढ़ के आपको पता लग सकता है और आप उसके यूज़ टू हो सकते हैं और आप उस भाषा उस शब्दावली उस जो तरीका है प्रस्तुत करने का उसको सीख सकते हैं तो ये चीज़ें आप सीख सकते हैं ख़ासतौर तो पे ये आपको काम आएगा मुख्य परीक्षा में जब आप बड़े उत्तर लिखेंगे 200 शब्दों में 300 शब्दों में उत्तर लिखेंगे तब आपको जो है ये चीज़ काम आएगी दूसरी चीज़ ये तब भी काम आएगी जब आप ऐसे लिखते हैं अब देखिए ऐसे यू में तो एक अलग ही पेपर है पूरा पेपर ही होता है ऐसे का या स्टेट पीएससी में भी आजकल एम में देखिए ऐसे का पूरा एक पेपर अलग होता है निबंध का तो निबंध में और इसके अलावा दूसरे एग्ज़ाम जैसे एस के एग्जाम है उसमें कई कई एग्जाम्स में एस एस सी कंडक्ट करती है इसमें मेंस में आपको निबंध लिखना होता है इसके अलावा भी दूसरे मैंने आर में भी देखा है कि कुछ चीज़ें बड़े निबंधात्मक आते हैं ऐसे टाइप आते हैं ऐसे तो नहीं आता ऐसे लेकिन ऐसे टाइप आता है तो वो वो जो शैली है लिखने की वो जो भाषा है वो जो वे ऑफ राइटिंग है राइटिंग स्किल है राइटिंग स्टाइल है वो सब इस अखबारों से बड़ी सरलता से आ, सीखा जा सकता है ठीक है तो अखबार जो है आपको आ, ऐसे टाइप क्वेश्चन में आ, और करंट अफेयर्स तैयार करने में हेल्प करता है लेकिन इतने ही नहीं आप देखिए कि जब आप इंटरव्यू देते हैं या खासतौर पर आप जो आप ग्रुप डिस्कशन में करते हैं बैंकिंग की जो परीक्षाएं होती है ख़ासतौर तौर पे पीओ की जो एग्ज़ाम होती है या इसके अलावा भी दूसरी कई एग्ज़ाम है जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होता है ग्रुप डिस्कशन में आपको अपनी बात अच्छे से रखनी होती है तो वो अच्छे से रखने के लिए आप तभी ऐसा कर सकते हैं जो आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो डिटेल्ड मैनर में पढ़ा हो दो या तीन आ, एंगल से पढ़ा हो और ये ये सरलता से पढ़ा जा सकता है कहाँ अखबार में तो ग्रुप डिस्कशन में भी जब आप किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो अखबार न्यूज़ रीडिंग जो है न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है फ्रेंड्स लेकिन इतने ही नहीं आप डिबेट में भाग लेते हैं स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल और बड़े लेवल तक डिबेट्स होती है वहाँ भी आपको ये हेल्प कर सकता है इंटरव्यू जब आप देते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए जब आप इंटरव्यूज देते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है ये न्यूज़पेपर रीडिंग जो है ये हेल्पफुल हो सकता है तो देर आर सेवरल यूज ऑफ देर आर सेवरल फ्रंट्स एड विच न्यूज़ पेपर रीडिंग कुड बी कुड बी वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट तो अभी अपन स्टूडेंट की ही बात कर रहे हैं कि छात्र को अखबार जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है अब प्रश्न ये है कि कौन सा अखबार पढ़ा जाए देखिए अखबार कौन सा पढ़ा जाए ऐसा एक बताना बहुत कठिन है लेकिन आप दो तीन चीज दीजिए एक तो ये देखिए कि अखबार कौन सा है जिसकी लैंग्वेज आपको सूट कर रही है ठीक है क्योंकि अखबार की थोड़ी थोड़ी अंतर होता है लैंग्वेज में तो जो जिसकी लैंग्वेज सूट कर रही है वो लिखिए वो लीजिए अगर थोड़ी से आपके लेवल से थोड़ी ऊंची स्तर की लैंग्वेज यूज कर रहा है तो भी उसको चुनिए क्योंकि उतना गेप आप सीख के फिल कर सकते हैं तो थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड जिसका लैंग्वेज का हो वो अखबार चुनिए दूसरा ये देखिए कि अखबार भी जो है ना आजकल ये बड़ा बड़ी मुश्किल हो गई है कि अखबार जो है वो पॉलिटिकली थोड़े से टिल्टेड होते हैं झुके हुए हैं किसी एक तरफ सरकार की तरफ विपक्षियों की तरफ झुके हुए हैं तो कई बार वो जो है उनकी न्यूज़ उतनी न्यूट्रल नहीं होती तो अखबार कोशिश कीजिए कि न्यूट्रल लीजिए और अगर किसी पक्ष की तरफ झुका हुआ हो भी तो इस चीज़ को माइंड में रख के पढ़िए कि साहब ये हल्का सा क्या है झुका हुआ है तो इसकी कितनी बात को अपने को समझना है कितनी को नहीं समझना है ये भी इसको ध्यान में रख के समझिए पढ़िए उसको तो अखबार कोई सा भी ले सकते हैं आप मध्य प्रदेश में है तो जैसे दैनिक भास्कर को आप ले सकते हैं जागरण भी एक अच्छा अखबार है ये अखबार ले सकते हैं और और अच्छे स्तर का पढ़ना है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं हिंदी में इंग्लिश में पढ़ना तो इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत अच्छा अखबार है या टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत पहले से अच्छा चल रहा है तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया को भी आप पढ़ सकते हैं हिंदू को भी बताया जाता है ख़ास तौर जो डिटेल्ड और जो बहुत डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको पढ़ना है तो आप द हिंदू भी आप पढ़ सकते हैं तो ऐसे कुछ अखबार है इनमें से आप कोई सा भी अखबार चुन सकते हैं ज़्यादा अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो अखबार आपको पढ़ने चाहिए <coughs> तो अखबार कौन सा हो तो उसका तो मुद्दा हो गया आप वही अखबार पढ़िए जो आप अपने एग्जाम में मीडियम रखते हैं आपने इंग्लिश मीडियम लिया तो यू मस्ट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर आप फिर हिंदी मत पढ़िए आपने हिंदी मीडियम लिया है तो यू मस्ट रीड हिंदी न्यूज़पेपर क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज को ठीक करता है अखबार जो है ना वो आपकी लैंग्वेज को सुधारता है रोज़ रोज आप उसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो यू विल इंप्रूव द लेवल ऑफ़ योर लैंग्वेज यू विल इंप्रूव द लेवल ऑफ योर वोकेबुलरी इट विल मेक योर वोकेबुलरी मोर एंड मोर प्रॉस्पेरस आपकी जो शब्दावली है वह समृद्ध होती जाएगी तो आपको वही भाषा का अखबार चुनना चाहिए जो मीडियम आप अपनी एग्ज़ाम के लिए रख रहे हैं फिर अखबार में क्या पढ़ें ये बहुत ख़ास चीज़ है देखिए अखबार में सबसे पहले तो आप फ्रंट पेज पढ़िए फ्रंट पेज करंट बिल्कुल जो आज रिसेंट न्यूज़ है उसके बारे में उसमें होता है तो फ्रंट पेज को ज़रूर पढ़िए आप फ्रंट पेज में भी आजकल वो जैकेट वैकेट के नाम पर आगे कुछ ऐड वगैरह रहते हैं उनको छोड़ दीजिए लेकिन जो न्यूज़ वाला पार्ट है पहला पेज उसको ज़रूर पढ़िए दूसरी चीज़ यह है कि स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़िए क्योंकि स्पोर्ट्स से आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम हो एसएससी के एग्ज़ाम हो उसमें जो है स्पोर्ट्स की न्यूज़ ज़रूर आती है तो आप उसको ज़रूर पढ़िए तीसरी चीज़ यह है कि एक एक पेज आता है इंटरनेशनल न्यूज़ का अब वो अलग अलग नाम से आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के नाम से देश विदेश के नाम से इसको तो ज़रूर ही पढ़ना है सब क्योंकि होता क्या है जैसे अखबार मान लीजिए आप आप जिस शहर में आप सपो सपोज़ कीजिए भोपाल में रहते हैं इंदौर में रहते हैं लखनऊ में रहते हैं तो वहाँ का अखबार वहाँ की चीज़ों को कवर करता है लेकिन जो तो राष्ट्रीय खबरें हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है जैसे एक चीज़ देखिए अभी मान लीजिए इसराइल में जो कुछ चल रहा है इसराइल में जो है आ, कोई जुडिशल रिफॉर्म है उसका बड़ा विरोध हो रहा है है ना सपोज़ कीजिए जर्मनी में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके विरुद्ध में उसके विरोध में आंदोलन हो रहा है तो ये सभी सा, ये सारी खबरें कहाँ से मिलेंगी आपको या सपोज कीजिए कि श्रीलंका को अभी रिसेंटली आईएमएफ ने जो फंडिंग की है तो ये न्यूज़ कहाँ से मिलेगी ये तो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें पढ़ने से ही मिलेगी तो अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें हो रही है उनको ज़रूर पढ़िए अच्छे से तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पेज या नेशनल इंटरनेशनल पेज इस तरह से अलग अलग अखबारों में अलग अलग टाइटल के नाम से आता है पर वो एक पेज होता है उसको ज़रूर पढ़िए इसके अलावा फिर आप इकोनॉमिक्स का एक पेज आता है बिज़नेस के नाम से आता है इकोनॉमिक्स के नाम से आता है एक या दो पेज में इकोनॉमिक्स की न्यूज़ आती है फिर चाहे वो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित हो नेशनल इनकम से संबंधित हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित हो शेयर मार्केट से संबंधित हो सेंसेक्स से संबंधित हो इंटरनेशनल चीज़ें से संबंधित हो फेडरल रिजर्व की न्यूज़ हो करेंसी से संबंधित न्यूज़ हो बिटकॉइन से संबंधित कोई से भी ऐसी न्यूज़ हो तो इन चीज़ों को जरूर देखिए क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो प्रलिम्स हो या मेन्स ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव दोनों ही एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी अगर ठीक से समझ में नहीं आती है तो इस पेज को पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें उन टर्म्स को उपयोग करते हैं जो टर्म्स जो है जो टर्म्स जो है आप नहीं जानते वो टर्म्स वहाँ लिखी और उसका अर्थ नहीं जानते और अर्थ नहीं जानते तो आगे अखबार पढ़ना बहुत बोझिल हो जाता है बोर हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि उन टर्म्स को कहीं लिख लीजिए और उनके मायने ढूँढिए मैंने या तो नेट पे ढूंढ लीजिए सीनियर से पूछिए हम जैसे टीचर्स से पूछिए हाँ आपको अगर कुछ टर्म्स नहीं समझ में आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी सकते हैं ताकि उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको सो दैट इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू कि साहब जो है आपको वो टर्म समझना आसान हो जाएगा और टर्म्स जैसे ही आप टर्म्स समझना उन शब्दावली को समझना शुरू कर देंगे आपके लिए इकोनॉमिक्स समझना और इकोनॉमिक्स का पेज पढ़ना दोनों ही आसान हो जाएगा तो आपको छोड़ना नहीं है ध्यान रखना मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती इसलिए आप इकोनॉमिक्स का बिजनेस वाला पेज पढ़ना छोड़ दें नो डोंट गिव इट अप आप उससे जूझिए आप उसमें संघर्ष कीजिए और संघर्ष में हेल्पफुल हो सकता है आपका मोबाइल आपका गूगल आपका आपके जो सीनियर्स है और टीचर्स ये हेल्प करें और इनकी हेल्प लीजिए और उस अखबार के उस पेज को जरूर पढ़िए अखबार का जो लास्ट बता रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पेज है वो होता है आपका एडिटोरियल पेज संपादकीय आपने देखा होगा हर अखबार में बीच के पन्नों में कुछ बड़े बड़े लेख आते हैं जो बिल्कुल कोई आज की या कल की न्यूज़ से रिलेटेड नहीं होते हैं लेकिन जो चल रहा है देश में जो चल रहा है दुनिया में उस पर कोई विस्तृत लेख होता है समीक्षा जैसी होती है एनालिसिस जैसा होता है विश्लेषण होता है अलग अलग विषय सपोज़ आज खालिस्तान पर ही चर्चा हो रही हो उसमें सपोज रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो रही हो सपोज़ भारत में जो आर्थिक सुधार हो रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है ऐसे किसी विषय पर चर्चा हो रही है जी ट्वेंटी पर चर्चा हो रही है ऐसे किसी विषय पर डिस्कशन होता है एनालिसिस होता है बड़ा सा लेख होता है ठीक है साइड में एक संपादक का अपना व्यू भी होता है जो एक्जैक्टली उसी को एडिटोरियल बोलते हैं तो पेज एडिटोरियल है उसमें खूब सारे लेख आते हैं कुछ मोटिवेटिंग मोटिवेटरी uh, लेख भी आते हैं तो इनको आप पढ़िए इसको पढ़ने के दो फायदे एक तो आपको समझ में आएगा कि किसी घटना पर किसी विषय पर क्या व्यू होना चाहिए या क्या अलग अलग व्यू हो सकते हैं तो आपको डिबेट में हेल्प करता है ऐसे राइटिंग में हेल्प करता है दूसरा एक कि किस तरह से चूंकि अच्छे लेखक होते हैं मंझे हुए लेखक होते हैं तो वो बहुत सुंदर तरीके से बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखते हैं तो ये आप यहां पर सीख भी सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी बातों को यहां रख सकते हैं किस तरह से आपको अपनी बातें रखनी है पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है किस तरह से निष्कर्ष करना है किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है किस तरह से भूमिका लिखनी है ये सारी चीजें यहां पर आप सीख सकते हैं ठीक है दूसरी चीज भाषा आप सीख सकते हैं मैंने बार बार बोल रहा हूं कि भाषा सिखाने में अखबार की बड़ी भूमिका है भाषा देखिए क्लासेस में नहीं सिखाई जा सकती भाषा आपको सुन के पढ़ के और बोल के ही सीखनी है दीज आर द थ्री वेज टू लर्न अ लैंग्वेज एंड इंप्रूव योर लैंग्वेज लेवल ऑफ योर लैंग्वेज कि आप सुन के पढ़ के और बोल के ही भाषा ठीक कर सकते हैं तो अखबार इसमें बहुत हेल्पफुल है खासतौर पे एडिटोरियल पेज तो आप भाषा यहां से सीख सकते हैं तो ये सब चीजें सीखने में एडिटोरियल पेज आपकी बहुत सहायता कर सकता है तो फिर से बता रहा हूँ फ्रंट पेज जरूर पढ़िए नेशनल इंटरनेशनल ज़रूर पढ़िए जो बिज़नेस है इकोनॉमिक्स वाला पेज है वो ज़रूर पढ़िए स्पोर्ट्स का पेज ज़रूर पढ़िए और एडिटोरियल पढ़िए तो ये पेजेस आपको आवश्यक तौर पर पढ़ने ही हैं तो कौन सा अखबार पढ़ना है ये देख लिया अखबार में क्या पढ़ना है ये देख लिया अब बात करेंगे कैसे पढ़ना है देखिए एक आम आदमी न्यूज़ रीडर होता है आपने देखा होगा बिजनेसमैन है दूसरे लोग हैं सुबह सुबह अखबार देखा कुछ जो है हेडलाइंस देखी और हो गया उनका अखबार कुछ रिटायर्ड लोग हैं दादाजी हैं वो बैठे हुए हैं दोपहर में पढ़ रहे हैं वो तो फिर सब कुछ पढ़ते हैं ठीक है लेकिन वो न्यूज़ रीडर है आज न्यूज़ पढ़ी कल ख़त्म हो गया उनके लिए लेकिन हमारे लिए अलग मामला है साहब हम न्यूज़ रीडर नहीं है वी वी नीड नॉट टू तो रीड द न्यूज़पेपर वी नीड टू स्टडी द न्यूज़पेपर इसको अंतर समझिए हमको रीड नहीं करना है हमको स्टडी करना है हमको अखबार का अध्ययन करना है तो अध्ययन करने के लिए आप सबसे पहले तो समय वो चुनिए जब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम हो कम से कम एक डेढ़ घंटे का अच्छा समय हो तब अखबार पढ़िए हो सके तो रात को पढ़िए मैं हमेशा इस बात को सजेस्ट करता हूँ कि अखबार आप रात को पढ़िए जब घर वाले सब फ्री हो जाए घर वाले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अखबार तब आप पढ़िए और इतमान से पढ़िए चीज़ों को अंडरलाइन करके पढ़िए मैंने क्या पढ़ना है वो तो मैंने बता ही दिया आपको चीज़ों को अंडरलाइन करके पढ़िए आप कुछ जगह पॉइंट भी कर सकते हैं कि साहब देखिए इस घटना का ये प्रभाव दिया है ये उद्देश्य दिया है ये इसके कारण दिए हैं ये प्रभाव दिए हैं ये परिणाम दिए हैं इस तरह से अलग अलग आप लिख लीजिए चाहे तो उसको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी कटिंग करके रख लीजिए अपने पास क्योंकि अखबार सब तो पढ़ चुके हैं आप अब तो आपके ही काम का बचा तो आप कटिंग भी कर सकते हैं कटिंग करके रखिए और खास चीज़ आप एक नोटबुक रखिए अपने पास उसको अखबार की ही नोटबुक बना लीजिए और उसको चार पांच हिस्सों में बांट दीजिए पॉलिटिका एक अलग आठ दस पेजों का हिस्सा होगा आठ दस पेजों का इकोनॉमिक्स का आठ दस पेज का स्पोर्ट्स का आठ दस पेज का नेशनल इंटरनेशनल का आठ दस पेज ज्योग्राफी के आठ दस पेज और किसी विषय के ऐसे बांट दीजिए और फिर मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स में कोई खास चीज़ पढ़ी सपोज आपने पढ़ा कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अमेरिका की जो रेटिंग है उसको गिरा दिया है तो उसको नोट कीजिए सपोज आपने पढ़ा है कि आर ने अपना सी कैश रिजर्व रेशों के रेट बढ़ा दिए उसको नोट कीजिए तो आप नोट जरूर कीजिए इसकी आदर डालिए अखबार में जब कुछ जब भी कुछ इंपॉर्टेंट मिले उसको नोट कीजिए ध्यान रखना ये जो आपके नोट्स है यही आपके करंट अफेयर्स के नोट्स बनने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फोर्थ कमिंग एग्जाम्स तो आप इस चीज को जरूर देखिए तो आप नोट्स जरूर बनाइए ठीक है और हो सके तो अखबार किसी के साथ बैठ के भी पढ़ सकते हैं उसको बता सकते हैं उससे डिस्कस कर सकते हैं उसके दो फायदे आपको याद हो जाएगा जो जो कुछ आपने पढ़ा ना वो याद हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा और फिर किसी को बताया दूसरा चीज़ हो सकता है वो कोई नई चीज़ बता दे कि मैंने इस बारे में ये भी पढ़ा है तो आपका आपका जो नॉलेज है वो और वास्ट हो जाएगा तो हो सके तो साथ में बैठ के भी पढ़ सकते हैं तो ये सब कुछ करना चाहिए अखबार से संबंधित तो चूंकि अखबार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे इसलिए आज का ये वीडियो बनाया है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए अपने कमेंट्स दीजिए अच्छा लगा और क्या होना था बुरा लगा तो वो भी बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं है और, और क्या होना था वो भी बताइए और कोई टॉपिक आपके मन में आता है कि इस पर कोई वीडियो बनना है तो वो भी बताइए और अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियो मिले उसके लिए आप चाहें तो बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए और इस तरह से आपके पास नियमित रूप से हमारे वीडियो पहुंचते रहेंगे फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच हैव वे ए गुड डे